9th hours, exercise number 3.1, question number 2 and 3. Harris purchased a car for rupees 2,48,000 and spent rupees 12,000 on it. Purchase price kitne ki hai ji car ki? Purchase price of a car. Spent on repairing. उसने कितने पैसे repairing पे लगाए? Denting, painting पे उसकी. टोटल कॉस्ट क्या हो रहेगी उसकी? टू लैख 60,000. ये मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई. फॉर्मूला क्या था? सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है? 2,60,000. प्रॉफिट कितना थी? 5%. किसका? मैंने बताया था कॉस्ट गिवन हो या ना गिवन हो, हमेशा कॉस्ट का ही लेना है. प्लस 2,60,000, 2,73,000 की सेल प्राइस है जिसकी. फिर दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस. मींस यही गिवन नहीं है. अब सेल प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है. कितने परसेंट आपका प्रॉफिट है? मैंने बताया था प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस का ही होगा. कॉस्ट प्राइस गिवन हो या ना गिवन हो, इसी का लेना है. 12 × 24 + 1 = 25/2%. ठीक है, मैंने यहाँ दोनों में से कॉस्ट प्राइस कॉमन ले रहा हूँ, बाहर आ गई. यहाँ से कॉस्ट प्राइस ख़त्म तो बंद आ गया, प्लस वैसे ही आ गया, ये वैसे ही आ गया. ठीक है, कॉस्ट प्राइस 1 + 25/2% का 100 नीचे आ जाएगा. कॉस्ट प्राइस वैसे रहेगी, 1 + 25/200 हो जाएगा. कॉस्ट प्राइस वैसे ही होगी. अब इसका एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है. यहाँ पे 200 होना चाहिए. 200 लाने के लिए 200 से मल्टीप्लाई करवा दें जी. ठीक है, और 1,755 ऐसे ही रहेगा. अब क्या करेंगे नेक्स्ट करिए हम. ये 200 डिवाइड है, यहाँ पे आए क्या होगा? मल्टीप्लाई. और ये 225 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो जो आंसर आएगा वो मेरी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस. क्या निकलेगी? 1,755 × 200 / 225. 1,560 इज योर कॉस्ट प्राइस. हियर दिस क्वेश्चन, वी हैव अ लॉस. और आपको पता है लॉस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं. सेल प्राइस एज इट इज, कॉस्ट प्राइस एज इट इज, लॉस 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस. गिवन हो या ना गिवन हो, हमेशा इसी के अपने माइंड में बिठा लें अच्छी तरह. 1 − 12/100 2,640. नीचे कुछ नहीं है, 1 है. यहाँ पे 100 लाने के लिए 100 मल्टीप्लाई करवाया. 100 क्यों लाना है जी? फ्रैक्शन का रूल है. प्लस माइनस करने के लिए डिनोमेटर हमेशा सेम करने होते हैं. 100 आ गया, 100 माइनस 12 हो गया 2,640. कॉस्ट प्राइस इंटू 100, नीचे ऊपर 88. अब क्या करना जी? हमने 2,640 × 100/88 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस. अब क्या करेंगे जी? 3,000 निकल के आएगा जी. 3,000 की कॉस्ट थी जो कि उन्होंने बेची 2,650 से. महंगी चीज़ सस्ती बेची तो नज़र भी आ रहा, लॉस है. ठीक है जी, थैंक यू.